नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। किराएदार द्वारा प्रताड़ित करने पर मकान मालिक ने की आत्महत्या, जरीपटका पुलिस स्टेशन में आया मामला सामने। मेडिकल अस्पताल में दलालों का बाजार टेस्ट कराने के नाम पर प्राइवेट पैथोलॉजी की दलाली जोरों पर। और मात्र 2000 की रिश्वत लेते धरा गया लिपिक, एसीबी ने की काटोल में कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। हफ्ता मांगकर मकान मालिक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले किराएदार के खिलाफ जरीपटका पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कस्तूरबा नगर निवासी मुकेश कुमार रिजवानी से आरोपी ने 2 कमरे किराए पर मांगे थे, लेकिन किराया मांगने पर ही किराएदार आरोपी मकान मालिक को ही धमकी दे रहा था। मकान मालिक ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो भी बनाया है। मैं मुकेश कुमार रिजवानी राजा से नामोमल सेद्या का बेटा, मूलचंद नामोमल सेद्या, दोनों भाई मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं इन दोनों की वजह से परेशान होकर मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मेरे सुसाइड के जिम्मेदार वो दोनों भाई रहेंगे जिनके नाम में मैंने सुसाइड लेटर लिखा है। मेरे मौत के जिम्मेदार वही है जो राजा नामोमल सेठिया मनीष मेडिकल के बाजू में धरने के मकान में रहता है, और मूलचंद नामोमल सेठिया नीलमल अपार्टमेंट सत्यम शिवम सुंदरम अपार्टमेंट के बाजू में रहता है, और सेठिया जोन का माता मंदिर चलाता है। मेरे मौत के जिम्मेदार वो दोनों भाई हैं। मकान मालिक रेजवानी की नाश्ते की दुकान है। उन्हें 10 सितंबर 2019 को दुकान का मीटर जला हुआ नजर आया। रेजवानी ने सेतिया के बड़े भाई से इसकी शिकायत की। इसके बाद से आरोपी सेतिया रेजवानी से दुकान खाली करने के बदले में 10 लाख रुपए हफ्ता मांगने लगा। रेजवानी ने सेतिया को 60,000 रुपए दिए। इसके बाद भी सेतिया 4.5 लाख रुपए मांगे। सेतिया बंधुओं की करतूत से रेजवानी काफी समय से परेशान चल रहे थे। आखिरकार 6 अक्टूबर को रेजवानी ने फांसी लगाकर जान दे दी। उन्होंने सुसाइड नोट में सेतिया बंधुओं की यातनाओं से त्रस्त होकर खुदकुशी किए जाने का उल्लेख किया है। इसमें भी आरोपियों द्वारा प्रताड़ित करने का उल्लेख किया है। मेरा नाम रविशंकर रिजवानी है, मेरे भाई मुकेश रिजवानी मेरा बड़ा भाई है, जिनका ये फोटो है, और ये दोनों उनके आरोपी है। मेरे भाई ने जैसे आत्महत्या की है सुसाइड लेटर में लिखा है कि ये मेरे दोनों भाई मेरे सुसाइड के जिम्मेवार है, और इनके नंबर लिखे है, और इनके वीडियोस भी बने हुए हैं, वीडियोस भी बना के गए हो, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मेरे सुसाइड के जिम्मेवार ये दोनों भाई है, और इन दोनों ने मेरे को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में डाल दिया था, और बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहे थे, और बार बार पैसे की मांग कर रहे हैं, तो इसलिए मैं अपने आप को मार रहा हूँ। मेरी यही विनती है, सबसे हाथ जोड़ के यही विनती है, सरकार से यही विनती है कि हमारा सहयोग करे, और हमारी सिंधियों भाइयों से भी यही विनती है कि जैसे मूलचंद सेतिया का इनकम टैक्स ऑफिस में भी जान पहचान है, और राजा सेतिया भी जैसे गुंडागर्दी करता है, किसी को भी इन लोगों ने परेशान किया है, इनको इनकम टैक्स के नोटिस भिजवाए हैं, तो इन सब भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे सामने आए और हमारा साथ दें। जैसे मेरा आज भाई गया है, उसी तरह आपका भाई नहीं जाना चाहिए। हमारा प्लीज़ सहयोग करें, और ये कापियाँ और ये वीडियोस मुख्य मंत्रालय और मंत्रालय में भी मेल की गई है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे भाई को इंसाफ दिया जाए। जिसने जैसे मेरे भाई ने सुसाइड किया है, अपने आप को फांसी लगाई है, तो मेरा वही कहना है इन दोनों को भी, इन दोनों भाइयों को भी फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा भाई गया है, कल को किसी और का भाई बेटा नहीं जाना चाहिए। जिन्होंने सुसाइड किया है वो मेरे सबसे बड़े जेठ हैं। उनका नाम मुकेश श्रीचंद रिजवानी था,
और ये जो घटना शुरू हुई थी, जब से हमने गंगू ब्रोकर के बोलने पर उनके द्वारा ये किराएदार आए थे जिसका नाम है राजा, उनका निकनेम है राजेश नामोमल सेतिया उनका नाम है, और ये गंगू ब्रोकर उनको लेकर आए थे हमारे पास कि इनको किराए से घर चाहिए और हम लोग किराए से घर देने वाले थे। तो लेकिन मेरे भैया ने जैसे थोड़ी बहुत जांच करवाई थी तो पता चला था कि ये जो राजा सेतिया है वो कुछ खास उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगा था। तो उन्होंने कहा था कि जो उसके दो भाई हैं, एक का नाम है पालू सेतिया और दूसरे का नाम है मूलचंद नामोमल सेतिया, इन दोनों भाइयों में से अगर कोई एक गारंटी लेता है कि हाँ मेरे भाई को दो तो मैं दूंगा, तो मूलचंद जो सेतिया थे वो आए थे मेरे भाई के पास एडवांस के 15,000 रुपये लेकर, और उनके बोलने पर ही ये घर दिया गया था। और इसके बाद जब वो हमारे घर में आए थे 7 मई 2019 को रहने के लिए, तो करीब 8-10 दिन के अंदर ही राजा सेतिया ने मेरे जेठ जी से 40,000 रुपये दस्ती के लिए थे, इस ये कह के कि मैं आपको 7 दिन में लौटाऊंगा। 7 दिन के बाद जब मेरे जेठ जी उनसे पैसे वापस मांगने गए तो वो टाल मटोल करने लगे कि हाँ देता हूँ, जबकि उस समय सेतिया चौक स्थित हमारे दुकान का कंस्ट्रक्शन चालू था। तो यहाँ से बात शुरू होती है कि अब वो बार बार जाते थे कि हमको किराया ये हमारा पैसा वापस दे दो, तो वो नहीं दे रहे थे। इस बात को होते होते 1 महीना हो गया, 1 महीने के बाद उनकी धर्मपत्नी सिमरन सेतिया वो हमारे घर में आई थी ऊपर, और पैसे देके बोली ये लो आपके घर लक्ष्मी आई है, पहले महीने का किराया दिया। ये बात होने के बाद उसके बाद फिर जो मेरे जेठ जी हैं उनको राजा सेतिया को बोलते थे कि पैसे दो, मेरा काम रुका हुआ है, मेरे को भी काम में है, मैंने तुमको एज अ मदद करने के लिए दिए थे, तो अभी हमारे पास भी ऐसा नहीं कि मैंने जिस हिसाब से थी तो मुझे चाहिए। तो जो राजा सेतिया है अब धीरे धीरे मतलब गुस्से पे आ गए थे कि दे रहा हूँ, सिर क्यों खा रहे हो, मैं मना कर रहा हूँ क्या कि नहीं दूंगा। तो यहाँ से उन्होंने धीरे धीरे भैया को दबाना शुरू किया। ये बात बाद में खुली थी कि एक बार राजा सेतिया ने भैया को मारा भी था। पोलीस स्टेशन जरी पट कहते अपराध क्रमांक 643/21 304/85 प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे। यामध्ये मृतक जो आहे मुकेश श्रीचंद रिजवानी वय 46 वर्ष हा कस्तुरबा नगरमध्ये राहणारा निवासी आहे। याच्या घरामध्ये भाडेकरू राहत होता 2019 पासून। आरोपीचं नाव आहे राजेश नामोमल सेतिया आणि मूलचंद नामोमल सेतिया, दोघे भाऊ आहेत। त्यापैकी राजेश हा जो आहे हा मृतकाच्या घरात भाड्याने 2019 पासून राहत होता आणि त्याने वेळोवेळी भाडं दिलं नाही, त्यामुळं मृतकाने त्याच्याकडे मागणी केलेली होती, परंतु उलट मृतकालाच धमक्या देऊन की तुला जीवे मारे घर खाली करणार नाही, त्याच्या दुकानात जाऊन त्याला त्रास दिलेला आहे आणि मृतकाकडेच पैशाची मागणी केलेली आहे। त्यावरून हा गुन्हा मृतकाने दिनांक 6/10 आत्महत्या केली आहे। आरोपी जे आहेत हे आरोपीपैकी आरोपी क्रमांक 1 जो आहे त्याच्यावर यापूर्वी अदखलपत्र गुन्हा दाखल आहे। आरोपीने तुला तुझी इन्कम टॅक्सकडे तक्रार करीन, नगरपालिकेकडे अवैध बांधकामाची तक्रार करीन या प्रकारच्या धमक्या त्याला देऊन त्याला दहशतीत ठेवून त्याच्याकडनंच पैशाची मागणी केलेली आहे। 4.5 लाख रुपयाची मागणी त्याने केलेली होती। 4/9 मृतक आणि भाडेकरू यांच्यामध्ये वादविवाद झाला होता, त्याबद्दल एक अदखलपत्र तक्रार दाखल आहे, त्यामध्ये आम्ही कारवाईसुद्धा केली होती। त्या दिवशीसुद्धा त्याच्यानंतरही मृतकाकडे आरोपींनी पैशाची मागणी केलेली आहे आणि धमकी जीवे मारण्याची धमकी दिली होती, त्या कारणाने मृतकाने आत्महत्या केली। गळफास लावलेला आहे घराच्या वर, सगळ्यात 3 मजली घर आहे, वरच्या मजल्यावरच्या पत्र्याच्या शेडला दोरीने गळफास लावले। सुसाईड नोट आम्हाला मिळालेली आहे, ती जप्त केलेली आहे। सुसाईड नोटमध्येच या दोघांनी मला त्रास दिलेला आहे, माझी NMC कडे तक्रार केलेली आहे किंवा इन्कम टॅक्सकडे तक्रार केलेली आहे अशा, आणि मला आणि माझ्या कुटुंबाला त्रास देत आहे अशा प्रकारची सुसाईड नोट मिळालेली आहे। आरोपीचा शोध चालू आहे, आरोपी अद्याप अटक नाही, परंतु लवकरच आम्ही त्यांना अटक करू।
प्रशासन द्वारा तमाम तरह की पाबंदियां लगाने के बाद भी मेडिकल हॉस्पिटल में प्राइवेट पैथोलॉजी के दलाल सक्रिय है। वार्ड और ओपीडी के सामने दलालों की सक्रियता देखी जा सकती है। दिन भर मरीजों के आसपास मंडराने वाले दलाल ब्लड टेस्ट सहित अन्य रिपोर्ट मरीजों तक पहुंचा रहे हैं। इस कार्य में कुछ डॉक्टर सहित कर्मचारियों की भी सांठगांठ से इनकार नहीं किया जा सकता। मेडिकल में बिना कारण घूमने वाले बाहरी लोगों को रोकने के लिए प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जाती है, वहीं भीतर में भी सुरक्षा गार्ड तैनात है। इसके बावजूद प्राइवेट पैथोलॉजी के दलालों ने अपना अड्डा जमा रखा है। मेडिकल में पिछले कुछ दिनों से रक्त से संबंधित कुछ टेस्ट नहीं हो रहे हैं, वहीं थायराइड की टेस्ट भी नहीं होती। कुछ टेस्ट इतनी सामान्य है कि लगभग सभी मरीजों को बताई जाती है। जो टेस्ट मेडिकल में उपलब्ध नहीं है उनके लिए दलाल अस्पताल पहुंच सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर द्वारा टेस्ट की पर्ची थामते ही दलाल पीछे लग जाते हैं। एक या दो नहीं बल्कि पैथोलॉजी के 3 से 4 लोग इस काम में लगे रहते हैं। एक दलाल ब्लड जमा करता है और दूसरा तुरंत पैथोलॉजी के लिए निकल जाता है। इस तरह का क्रम 2400 घंटे जारी रहता है, लेकिन सुरक्षा रक्षकों को यह सब दिखाई नहीं देता। मेडिकल में हर जगह CCTV कैमरे लगे हैं। इसके बाद भी दलाल बड़ी ही चतुराई से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। बकायदा वार्ड के भीतर मरीज के बेड तक सेवा देने वाले दलालों के बारे में प्रशासन को नर्स से लेकर डॉक्टर भी नहीं बताते। यही वजह है दलालों के हौसले बुलंद हो गए हैं। पिछले दिनों कुछ दलालों को भी पकड़ा गया था, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है। सेवानिवृत्त शिक्षक की सर्विस बुक तैयार करके बकाया राशि दिलाने की एवज में 2000 रुपए की रिश्वत लेने वाले काटोल नगर परिषद के लिपिक को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। काटोल के ही बाजार में यह कार्रवाई हुई और खलबली मच गई। पकड़ा गया आरोपी काटोल निवासी कृष्णा गंगाधर राव मानकर बताया गया है। मानकर काटोल नगर परिषद के शिक्षा विभाग में लिपिक है। शिकायतकर्ता नगर परिषद की स्कूल से सेवानिवृत्त शिक्षक है। सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने सर्विस बुक तैयार करने और निवृत्त होने के बाद मिलने वाली रकम के बारे में मानकर से मिलकर पूछताछ की थी। मानकर ने उनका काम करके देने के लिए 2000 रुपए की रिश्वत मांगी। कुछ महीने पहले शिकायतकर्ता निवृत्त हो गए, उनकी सर्विस बुक भी बन गई और पेंशन का भी सारा काम हो गया। इसके बाद मानकर उनसे पैसों की मांग करने लगा। 5 अक्टूबर को मानकर ने शिकायतकर्ता से फोन पर संपर्क किया और 2000 रुपए मांगे। शिक्षक ने उसके खिलाफ ACB कार्यालय में शिकायत की। DYSP योगिता चाफले ने गोपनीय तरीके से मामले की छानबीन की। शिकायत सही पाई गई और मानकर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। योजना के तहत शिकायतकर्ता ने मानकर से संपर्क किया। मानकर ने सोमवार को उन्हें पैसे लेकर काटोल के साप्ताहिक बाजार में मिलने बुलाया। जैसे ही उसने रिश्वत की रकम ली, जाल बिछाकर बैठी ACP की टीम ने उसे रंगे हाथ दबोच लिया। मानकर के खिलाफ काटोल थाने में भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। अमरावती से अंबा देवी के दर्शन कर कार से नागपुर लौट रहे 4 दोस्तों को अज्ञात ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। एक अन्य युवक को मामूली चोटें आई। यह घटना कोंढाली थाना क्षेत्र के तहत 7 नवरी परिसर में हुई। पुलिस के अनुसार 10 अक्टूबर को अंबा देवी के दर्शन करने के लिए नागपुर से स्विफ्ट डिजायर कार में आकाश मुरलीधर अरसुले खरबी रोड बाठोड़ा, सुमित रमेश नागदेवे दिगोरी, अश्विन जगन्नाथ वाकोड़ीकर तथा आकाश जगन्नाथ वाकोड़ीकर तांडापेट 5 पावली निवासी अमरावती गए थे। 10 अक्टूबर की शाम देवी दर्शन करने के बाद चारों मित्र नागपुर के लिए रवाना हुए। इस दौरान अमरावती कोंढाली मार्ग पर रात में एक ढाबे पर सभी ने खाना खाया। इसके बाद नागपुर के लिए निकल पड़े। सोमवार की रात के दरमियान कार का टायर पंचर हो गया। टायर बदलने के बाद चालक आकाश मुरलीधर अरसुले ने कार शुरू करने का प्रयास किया, परंतु काफी देर तक प्रयास करने के बावजूद कार शुरू नहीं हुई। इस दौरान चारों मित्रों ने मार्ग से जाने वाले वाहन चालकों से मदद मांगी। काफी देर बाद 2 कारें रुकी, जिसमें से एक कार चालक ने स्विफ्ट कार में बैठकर कार शुरू करने का प्रयास कर रहा था और कार को पीछे से आकाश अरसुले, सुमित नागदेवे, अश्विन वाकोड़ीकर, आकाश वाकोड़ीकर धक्का मार रहे थे। ठीक उसी समय अचानक पीछे से आ रहा अज्ञात ट्रक के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन
वाहन चलाते हुए चारों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों युवक सड़क पार उछल गए। इस हादसे में आकाश अड़सुले की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि सुमित नागदेवे, अश्विन वाकोड़ीकर गंभीर रूप से घायल हो गए तथा आकाश वाकोड़ीकर मामूली चोटें आई। घटना की जानकारी मिलते ही कोंडाली थाना के थानेदार चंद्रकांत काले के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक अजीत कदम, ASI दिलीप इंगोले, पुलिस नायक प्रशांत कुंभारे घटनास्थल पहुंचे। मृतक आकाश अड़सुले के शव को पोस्टमार्टम के लिए तथा गंभीर घायलों को इलाज के लिए नागपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पुलिस ने आकाश वाकोड़ीकर की शिकायत पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर ट्रक चालक की खोज शुरू कर दी है। कोरोना महामारी के आंकड़े भले ही दिन ब दिन कम दिखाई दे रहे हो, लेकिन तीसरी लहर का संभावित खतरा अभी टला नहीं है। यही कारण है कि राज्य सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन कराने की दिशा में मिशन कवच कुंडल शुरू किया जा रहा है। 14 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में केवल 2 दिनों के भीतर ही 31,724 लोगों को पहला और दूसरा डोज लगा दिया गया है। विशेष अभियान के लिए महानगर पालिका द्वारा विशेष टीमों को तैयार किया गया है, जिसमें प्रभाग स्तर पर स्वास्थ्य सेविका, नर्स, डॉक्टर्स, इंटर्न्स और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली जा रही है। महानगर पालिका की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मंगलवार को भी महानगर पालिका और सरकार के सभी वैक्सीन सेंटर पर 18 वर्ष से अधिक सभी वर्ग के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार से कोविशील्ड का पर्याप्त कोटा उपलब्ध कराया गया है, जिससे सुबह 10 से शाम 5 बजे तक निःशुल्क कोविशील्ड उपलब्ध होगी। वैक्सीन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पद्धति से पंजीयन कराया जा सकेगा। इसके अलावा ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर पर भी 18 प्लस और 45 प्लस वर्ग के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा मेडिकल अस्पताल, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल, महल रोग निदान केंद्र, एम्स, आइसोलेशन अस्पताल, इंदिरा गांधी अस्पताल, 5 पावली अस्पताल और दिघोरी स्थित प्रगति हॉल में कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल के नेतृत्व में सितंबर माह में करीब 0.61 मिलियन टन माल लदान किया गया है। साथ ही बेटिकट यात्रियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर एक ही माह में 1,52,00,000 रुपए की पेनल्टी भी वसूली गई है। मंडल को करीब 0.61 मिलियन टन लदान से करीब 48 करोड़ रुपए की आय हुई है। नागपुर मंडल के अंतर्गत वाणिज्य विभाग के अधिकारियों की अगुवाई में बीते सितंबर में विभिन्न गाड़ियों तथा रेलवे स्टेशनों में चलाए गए टिकट जांच अभियानों के अंतर्गत बिना टिकट, अनियमित यात्रा तथा बिना माल बुक किए लगेज के 31,513 मामले दर्ज किए गए। इनसे 1,52,28,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया, जो मुख्यालय द्वारा निर्धारित टारगेट से करीब 34% आय अधिक है। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में करीब 13% तथा मुख्यालय द्वारा निर्धारित टारगेट से करीब 2% आय में अधिक है। इसके अलावा मंडल द्वारा पार्सल लदान के अंतर्गत सितंबर माह में कुल 541 टन पार्सल की लोडिंग से करीब 13 लाख रुपए तथा पार्किंग से करीब 3 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई।
वन विभाग ने नागपुर वर्धा महामार्ग के हलदगांव टोल नाका से 7 लोगों को बाघ के अवशेष ले जाते हुए गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार नागपुर के आला अफसरों की टीम को खास लोगों ने गुप्त सूचना देकर आरोपियों की पहचान बताने के साथ ही उनके सामान ले जाने के तरीके के बारे में भी बताया। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम दोपहर ही मौके पर पहुंच गई और अपना जाल फैलाया। उन्होंने जैसे ही टवेरा गाड़ी आती दिखाई दी, वैसे ही मौका देखकर सभी अफसरों ने गाड़ी पर अचानक छाप मारा। गाड़ी में बैठे 7 आरोपियों को समझ ही नहीं आया कि उन्हें क्या करना चाहिए। वन विभाग की टीम ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके सामान को अपने अंडर में लेकर गाड़ी को कब्जे में ले लिया। आरोपियों की पहचान यवतमाल जिले के नेर तहसील के कामत देव निवासी प्रकाश महादेव, बाबुल गांव तहसील के वरुण प्रकाश रामदास राउत, वर्धा निवासी संदीप महादेव रंगारी, यवतमाल जिले के इचोली निवासी अंकुश बाबाराव नाइकवाड़े, धामनगांव तहसील के सावला निवासी विनोद श्यामराव मुन, अंजनगांव निवासी विवेक सुरेश मिसाल, वरुण निवासी योगेश मानिक के रूप में हुई है। सभी आरोपियों ने वन विभाग के आला अफसरों ने कड़ी पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पूरे राज्य में पुलिस बनकर लोगों को ठगने और चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाली हैदर अली गैंग पर पुलिस ने दिसंबर 2020 में मौका लगाया था। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश MS आजमी ने 2 आरोपियों को बेल मंजूर की है। जमानत पर रिहा हुए आरोपियों में यरखेड़ा कामठी निवासी शब्बीर अली सलीम अली और हैदरी चौक निवासी नादिर जैदी तालीब जैदी का समावेश है। आरोपियों की तरफ से अधिवक्ता रविंद्र राजकारने ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि शहर में चेन स्नैचिंग की कई वारदातें होने के कारण क्राइम ब्रांच ने युद्ध स्तर पर खोज अभियान चलाया था। शांतिनगर थाना अंतर्गत दही बाजार पुलिया पर महिला के गले से मंगलसूत्र उड़ाने के मामले में पुलिस ने उपरोक्त 2 आरोपियों के अलावा गैंग के मुखिया DB कॉलोनी न्यू कामठी निवासी हैदर अली यूसुफ अली, मोहसिन रजा गुलाम रजा, यूसुफ अली अरीम अली, येरखेड़ा निवासी जासिम अली मेहंदी अली और मोहम्मद ओवेस मोहम्मद शाहिद को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पता चला कि आरोपियों का लंबा क्राइम रिकॉर्ड है। यह गैंग राज्य के अलग अलग शहरों में नकली पुलिस बनकर लोगों को ठगती है और चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देती है। इसीलिए दिसंबर 2020 में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मौका भी लगा दिया। अधिकारी राजकारने ने न्यायालय को बताया कि शब्बीर और नादिर का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। वारदात के समय दोनों घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे, न तो उनसे कोई माल जब्त हुआ है और न गवाह ने उनकी पहचान की है। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि कोल्हापुर सहित अन्य शहरों में दर्ज हुए मामलों में आरोपियों की सक्रिय भूमिका रही है, इसीलिए उन्हें मौका में भी आरोपी बनाया गया। दोनों पक्षों की जिरह के बाद न्यायालय ने आरोपियों को सशर्त जमानत मंजूर की। सरकार द्वारा स्कूल तो खोल दिए हैं, लेकिन कॉलेजों को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं की गई है, जबकि जिले में कोरोना लगभग खत्म हो चुका है। कॉलेज बंद होने से छात्रों का पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। पिछले वर्ष डिग्री लेने के बाद भी कई छात्रों को नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है। अब पालकों सहित प्राध्यापक भी कॉलेज नहीं खोले जाने के सरकार के फैसले पर हैरानी व्यक्त कर रहे हैं। जिले सहित विदर्भ के लगभग सभी हिस्सों में कोरोना का प्रकोप कम हो गया है। ग्रामीण के कई गांवों में तो पिछले महीने भर से कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला। स्कूल शुरू होने के बाद से छात्रों सहित शिक्षक भी खुश हैं, लेकिन सरकार द्वारा कॉलेज बंद रखने के पीछे की वजह समझ से परे है। जब स्कूली बच्चों में संक्रमण का भय नहीं है तो फिर युवा वर्ग के लिए बंदिशें क्यों? वैसे भी अधिकांश युवाओं का टीकाकरण हो गया है, किसी को एक तो किसी को दोनों टीके लग चुके हैं। वही कॉलेज स्टाफ का भी टीका हो गया है। इसके बावजूद कॉलेज शुरू नहीं करने के पीछे की मुख्य वजह साफ नहीं हो पा रही है। अब पालकों सहित प्राध्यापक भी मांग कर रहे हैं कि कॉलेज शुरू किए जाने चाहिए, ताकि छात्र कॉलेज में जाकर अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर सके। साइंस और कॉमर्स के छात्रों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, बिना प्रैक्टिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। वही इंजीनियरिंग के छात्र भी किताबों के भरोसे ही बैठे हैं। तो VKB न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।